ओम शांति मेरे से भी ज्यादा ठंडा आवाज है ओम शांति सभी के मुख से दिल से बोलो ओम शांति जितनी बाबा रोज मीठी 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 मीठी, मीठी, मीठी बातें सुनाते हैं जो शीतल शांत बात मीठी सुनाते हैं उससे हम शीतल शांत हो जाते हैं ऐसे है जब बाबा की बात मीठी माना स्वीट नहीं पर तो उसमें ताकत बहुत होती है इसलिए अच्छी लगती है बहुत अनुभव होता है शीतल और शांत होने का ड्रामा पर बाबा ने आज बोला है इतना डोल चल नथिंग न्यू अंदर से आवाज निकले नथिंग न्यू चेंज तो हो नहीं सकता है फिर संकल्प का एक नाटक और ड्रामा में भी फर्क है नाटक होता है चेतन मनुष्यों का कोई बीमार पर जाए तो उसको बदली करके दूसरे को उसका कर सकते हैं जो ड्रामा बना हुआ है ट्रांसलेशन कौन कर रहा है अच्छा ट्रांसलेशन ठीक है ठीक है अच्छा तो तो क्या है? ड्रामा जो एक बार शूट हो जाता है ना उसको चेंज नहीं कर सकते हैं तो ये अन्ना दी बना बनाया ड्रामा है बाबा भी टाइम पर आता है और बाबा ने ये एक तरह अच्छी बात ली है कलयुग और संगम पर बाबा एक लक बैरियर डाल देता है तो कलयुग से निकल आए ना यहाँ आ गए ना बस फिर वापस ऐसे नहीं जा सकते ना संगम क्या है एक बैरियर है एक या पार करके आ गए संगम पर बाबा ऐसी बात सुना देता है अभी जब पार करके आ गए तो वापस कैसे जा सकते हैं? एक तो संगम की बात इतनी अच्छी है दूसरा जो कुछ हो रहा है नूंधा हुआ है पर तो अटेंशन रख रहे हैं घर जाना है ना इसलिए और कोई सोचना ही नहीं है नूंधा हुआ भी समझ रहे हैं जो हो रहा है तो कल पहले माफिक हो रहा है ऐसे में कोई चिंतन की जरूरत असल है ही नहीं ज़रूरत है इसलिए मधुबन से हैं, मेरे ख्याल में कम से कम कम से कम दस बातें बहुत पावरफुल जो सम, जो हमारे अंदर में संस्कार में स्वभाव में कोई बात में जो पता नहीं है अटका हुआ था कोई पेन था तो कुछ पता नहीं पड़ता था ये सब चेंज हो गया तो मेरे को तो हर मुली से एक ऐसी बात अंदर मिल जाती है मुली से मिलती है और संगठन में बैठे बैठे भी असल अच्छी मदद मिल जाती है उसको संगठन का पावर है ना तो मैं अकेला पुरुषार्थ करूँ ना तो शायद मेहनत लगे पर संगठन का जो वाइब्रेशन है ना वो बड़ा सहज कर देता है है कान तो हिलाओ ना बड़ा संगठन का जो शक्ति है वो सहज करती है पुरुषार्थ को कान नहीं हिलाते मैं क्या करूँ संगठन की शक्ति पुरुषार्थ को सहज कर दी है करती है जो अकेला पुरुषार्थ वहां सेंटर पर कर एक तो पुरुषार्थ सेंटर पर समझते हैं हम अच्छा करते हैं पर अच्छे में मिक्स कितना होता जा रहा है पता नहीं चलता है रियल अच्छा नहीं है अभी यहाँ पता चलता है वहां समझते थे अच्छा पर, रियल अच्छा नहीं है अभी पता चलता है रियल अच्छा पुरुषार्थ क्या है जो मेहनत की जरूरत नहीं है मेहनत करने की जरूरत तो नहीं है पर समझ गई है प्रसाद क्या है जो बात समझ में आ जाती है ना अच्छी तरह से वो करना कोई आसान है बहुत आसान है जब तक तो पुरुष समझा नहीं है ना तो करते हैं तो अधूरा कर लेते हैं या देखते हैं ना मेरे कोई जचता है ना औरों को जचता है और बाबा का कनेक्शन की फीलिंग इतनी नहीं है दूसरी फीलिंग बाबा ने बा अच्छा किया सेवा में चाहे मेरे पर्सनल मेरे में बहुत अच्छा बाबा ने मदद की अरे बाबा क्या बताऊँ बाबा ने इस बात में बाबा की मदद इस बात में बाबा की मदद कोई बात की भी हमको दबाव प्रभाव परेशान नहीं करता है दूर से समझ गए इतना ज्ञान अंदर सोल्ड कॉन्शियस रहने का बाबा से संबंध रखने का और दुखद धाम को छोड़ निकल आए है तो सुखम संगम पर खड़े रहने का प्रार्थुद अच्छी पानी है वो धुन लगाने का प्रार्थुद अच्छी बनेगी अभी तो वो धुन लगी रहे प्रसाद ऊंचा हो ऐसे सहज हो ऊंचा हो तो ये जो यहाँ संगठन में मधुबन में बाबा के सामने जो मिलता है ना वो फिर आस्थाई रहे आस्थाई रहे ये फिर अंदर से पक्का करना ये मेरा जो अभी मिला है ना वो आस्थाई रहेगा पहले जैसे आ, अच्छा होता था फिर फिर वायुमंडल दूसरे में गए या शेवा में हो गए या किसके स्वभाव भाव से ये थक गए या तंगा गए तो सारा जो अच्छा मिला न बेचारा तो कहेंगे मधुबन मधुबन यहाँ तो हमारे तो सामने परीक्षाएं तो बहुत है ना, तो परीक्षाओं को वजन दे दिया मधुबन को यहाँ रख दिया मधुबन की बात अलग है ना यहाँ जब शिवा में आते हैं इन लोगों के साथ जो रहते हैं उनकी बात पूछो मत ना ये ख्यालात जो है ना पकड़ लेती है एकदम तो सारे मधुबन मधुबन ही रह जाता है खुद ऐसा ही रह जाता है जैसा वायुमंडल वैसा ये नहीं समझते वायुमंडल मधुबन में जो मिलता है वह भी मैं बना के रखूं अपनी भी सेफ्टी है ट्रांसलेसन के लिए क्या ट्रांसलेशन चेंज हो रही है क्या न होके तो मधुबन मधुबन है तो मधुबन मेरे साथ हो जहा जाऊ मधुबन मेरे मन में हो बाबा ये मेरी अच्छा गीत है सखीरी मैंने पायो तीन रतन बाबा मुरली मधुबन बस अपने मैं जब उस दिन ना फ्रेंडशिप की बात बोली है ना तो कई मेरे को कहते हैं मेरे को समझते हो मैं फ्रेंड हूँ कहीं आके पूछते हैं कहीं मैंने अच्छा पूछा है तो मैंने कहा हो तो हो सही परंतु तो फ़ायदा नहीं लिया है फ्रेंडशिप क्या होती पता नहीं है आपको है। पता चले ना तो जैसे हमने बाबा से ऐसा सुख पाया है और आपस में सुख की लेन देन की है दुख की लेन देन कभी नहीं की है दुख की लेन देन मेरे करूं ना किसके साथ मुझे ये दुख में लाया है फलाना ये कर रहा है पर ये लेन देन जो नहीं किया है ना, तो दुआओं की लेन देन बड़ा अच्छी है दुआओं की लेन देन करना भाई जिससे बात करो मिलो ना बहुत अच्छा लगा जैसे गुलजार दादी को रातों को गुड नाइट करके कहा दादी मैं कितना शुक्रिया मानूं आपका आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर किया आपने सब ने सुना कितना अच्छा था सारा हाँ इतना एक एक बात ऐसी सब पर सुनाई मेरे दिल खुश हो गई पर खुश है ऊपर पसे अंदर से हो गई रिच माल मिला ओरिजिनल ऐसा अमृत वेले करो तो क्या करो हाँ एक एक बात में से तो अभी तो नहीं पर रिपीट करेंगी सारा सारा रिपीट कर रिपीट वर्ड से नहीं कर सकेंगी पर दिल में जो अंदर से लगने वाली बातें हैं, वो तो भूल नहीं सकती है फिर तो मैंने अंदर से एडिशन किया फिर देखा अच्छी तरह से ये बाबा अच्छी सोगात मिल गई मैं आपको को देती हूँ अब बाकी जाने वाले जो है ना जिम पता नहीं कौन एम जगह बैठा है कहाँ है जिम हाथ उठाओ ऐसे बैठना चाहिए तेरे को पाल कहाँ बैठा है साम इधर माइकल कहाँ बैठा है भाई ये पुराने फ्रेंड्स है फ्रेंड्स हो ना? या सामने यार फ्रेंड्स हो ना परसों जो बोला था फ्रेंड्स कौन होते हैं एकदम बाबा सम्मान बनते जाते हैं एकदम गार्ड्स फ्रेंड्स इंग्लैंड में जाकर देखा फ्रेंड्स सोसाइटी है ना जनती क्या है ए फ्रेंड्स की होते हैं वो आपस में कितने मिलते हैं बड़ा छोटा नहीं होता है परंतु तो। लेन देन बड़ी अच्छी करते हैं लेन देन क्या करते हैं सुख की लेन देन जो बाबा से प्राप्ति हुई है ना उसकी लेन देन बड़ा अच्छा व्यापार हो जाता है बाप वो बिजनेस अच्छा इतना अच्छा बिजनेस जो समझते हैं बस सभी ऐसा बिजनेस करें ना तो माला माल हो जाए सच्चुकी राज्य में कैसे आएंगे कैसे राज करेंगे वो तो पीछे की वो संस्कार भी बढ़ रहे हैं सच्चुग में कैसे होंगे वो अभी हम ही तो होंगे मुख्य बात हम ही तो होंगे जिन्होंने अच्छी तरह से परा बा भगवान से बैठ के परा भगवान की पालना ली और सच्चू की स्थापना के सेवा में साथी बने तनसे मन से धन से समय भी दिया समय भी और बातों में नहीं गमाया दिल भी और किसको नहीं दी दिल भी भगवान को दे दी और भी मुझे बहुत अच्छी लगी लग बात तो मैं बताती हूं तो जैसे उसने तो बोला था ना के नीचे बैठ के तपस्या करना दिलवाला के साथ कोई विरले के भाग्य में है तपस्या दिल बाबा बाबा मामा मैं साथ बैठूं तपस्या ऐसी हो जैसे झारक के नीचे बैठे है हमको कोई कामना नहीं है पर जो उसकी जिसकी भी कामना हो पूरी हो जाएंगे कामधेनु बन जाएंगे ऐसी ऐसी ऊंची ऊंची बातें जो दिल को लग जाती है तो ये बतानी चाहती हूँ कोई बात कल की याद नहीं है उस सवेरे की याद नहीं है जयंती बहन को पता तो है पर फिर भी मैं असल कभी कल इमर्ज किया फलान जगह गई थी असुल याद नहीं है उनसे मिली थी फलान कौन था क्योंकि जो बात पास हो गई ना जी, ड्रामा में पर अभी देखती हूँ बाबा के बहुत प्यार करती हूँ बाबा ये अच्छी बात हो गई है ऐसे नहीं बुद्धि डल हो गया जो याद नहीं है पर जो बात पास हो गई वो याद याद नहीं है पर जो अभी आने वाली बात है विनाश आ रहे हैं अर्थकिक हो गई है फल उस समय हम क्या करें ऐसे रेडी रहे हर समय सुपर तो किसी ने क्वेश्चन पूछा तुम्हारा सुपर कैंसर होता है मैंने कहा जो दिन भर काम होता है वही सुपन होता है जिसके साथ संबंध होता है वही सुपनों में होता है होता है जिसके साथ संबंध होता है वही सुपनों में होता है जो काम करता है वही सुपनों में होता है या कोई ऐसा कोई पास्ट का संस्कार ऐसे खराब होता है वो सुपनों में आता है तीनों क्लास तीनों में चेंज सुपना कौन सा होगा ये बात क्यों शेयर करती हूं इतना अंदर सब बात बदल गई सुपन्न में भी बाबा, संकल्प में भी बाबा संसार हमारा बाबा बस वो हम अगर वो हमारा है ना तो और कुछ है नहीं आ? क्या रहेगा बाकी सुपन और संकल्प से ही संसार बनता है संकल्प से संसार बनता है अभी आ, आ गई है सारी बात संकल्प पर अंदर संक जो संसार अंदर में है ना भक्ति में भी कहते थे अभी हम भी कह सकते हैं अंदर भी दुनिया है जो बाहर भी दुनिया है पर अंदर मेरी दुनिया कौन सी है पर्सनल हाँ मेरी अंदर दुनिया अब खोल के देखेंगे ना हर एक की अपनी दुनिया अंदर जिसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कनेक्शन है तो चेक करेंगे ना बानकान मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देता हूँ अब मैं देखूँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है यहाँ जिस ज्ञान से नई दुनिया बना रहे हैं सच्चू की दुनिया बना रहे हैं शांति धाम सुख धाम शानधाम जाके धाम में आने की दुनिया बन रही है संकल्प से न संकल्प ऐसा नहीं संकल्प से दुनिया बन गई है वंडरफुल बाबा ने हमारे संकल्प कोई इतना अच्छा श्रेष्ठ क्वालिटी वाला बनाया है जैसे भगवान स्वयं संकल्प से वाणी अंदर भावना बाबा की संकल्प की हमारे कल्याण की तो ये भी बाबा को कापी तो कर सकते हैं है? क्या समझते हैं भाई बताओ तो सही क्या समझ राइट है संकल्प से अच्छी श्रेष्ठ दुनिया अंदर बना ले दुनिया बनाएंगे ना तो वो अंदर जो संस्कार बनेंगे बाबा का इक्कीस जन्म तो क्या चौरासी जन्म जो गुरु वन 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 में आए ऐसा दुनिया बनानी आए तो वन 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 हाँ पहली तारीख पहला महीना पहला साल सच्चु का जब आएगा ना उसमें आए तो ये ख़्याल किसको है हा? बाकी और ख़्याल तो है नहीं तो ये अपने पर, पर करना है मेरे अगर ख्याल हो तो ऐसा हो जो वन 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 में आए सत्य की नई दुनिया में आए अच्छा एक तो लेटेस्ट मूल्य में बाबा का है कौन पर आ रहा है भगवान पर आ रहा है नशा होना चाहिए आज पर पढ़ाई पर क्या है बताता है मीठे बच्चे ये अन्ना दि अवनाशी बना बनाया ड्रामा है इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कलप के बाद ही रिपीट होंगे ये अंदर हरी ज्ञान भरा हुआ हो इसे सदा निश्चिंत रहो ये दुनिया अपने तमों प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है अपनी तमों प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है उसकी निशानी क्या है वैसे कितने दिन बाबा हमारे लिए बताता था पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या है आज जैसे समय की दिन दिन उप उपद्रव होते रहते हैं कितने घमसान हो रहे हैं चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है कितना नुकसान हो जाता है यह सप्तमो प्रधान के चिन्ह है तमो तो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है तुम बच्चे ड्रामा को के राज को जानते हो इसलिए कहते हो नथिंग न्यू हो रहा है लोग कहते क्या सारा दिन न्यूज वर्णन करते रहे तुमने सुना तुमने सुना ये हो रहा है अरे हम कहते ये हो रहा है अभी हमको क्या करने का सारे विश्व को जो बाबा ने दी है बाबा ने ये भी बताया तुम्हारे शांति से दुनिया में सारी अस्थाई शांति हो जाएंगी सुनना ये शब्द बाबा का ओम शांति अभी तुम बच्चों पर ज्ञान वर्षा हो रही है तुम संगम युगी बाकी जो भी सब मनुष्य है कलयुगी युगी इस समय दुनिया में अनेक मतांतर है तुम बच्चों की तो है एक मत जो एक भगवान की मिलती है वे लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो करते हैं वे समझते हैं ये सब रास्ते भगवान के मिलने के लिए है कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेंगे एक तरफ कहते हैं रास्ते भगवान के मिलने के लिए है। पर कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेंगे पर उन लोग को ये पता ही नहीं है <clears throat> भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है ये हमको पता है भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है सब कह देते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते आते हैं यह भी कुछ समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा फिर क्या करेगा भगवान ये कहते कभी ना कभी भगवान मिलेगा कोई ना कोई रूप में मिलेगा क्या करेगा? जरूर सदगति करेगा क्यों वह है ही सर्व का सदगति दाता भगवान कौन है कब आएगा यह भी नहीं जानते हैं है। मैमा भल किस्म किस्म की कि गाते हैं कहते हैं भगत कहते हैं भगवान पतित पावन है भगत कहते हैं भगवान पतित पावन है ज्ञान का सागर है तो ज्ञान से ही सदगति होती है ना यह भी जानते हैं भगवान निराकार है जैसे हम आत्मा भी निराकार है पहले हम आत्मा निराकार है फिर पीछे शरीर लेती है कितना समझ में आया? भगवान निराकार है आत्मा भी पहले निराकार है फिर शरीर लेती है हम आत्माएं भी बाप के साथ इतना सब ज्ञान मिला है हा? हम आत्माएं बाप के साथ परम धाम में रहने वाली है हम यहाँ के वासी नहीं है कहाँ के निवासी है हम कहाँ के निवासी है ये बात यथार्थ कोई नहीं बतलाता है कोई फिर समझते हम स्वर्ग में चले जाएंगे अब सीधा स्वर्ग में तो किसको भी जानना नहीं है ये भी हमको पता है किसको पता। वो कहते फलाना स्वर्ग में चले जाएंगे पर सीधा स्वर्ग में किसको भी जाना नहीं है कोई पर कहते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे यह भी रांग है ज्योति ज्योत में समा जाएंगे मान आत्मा को विनाशी बना देते हैं मुख्य भी हो न सके मुख्य भी हो न सके जब वही कहते हैं बनी बनाई बन रही ये चक्कर फिरता ही रहता है चार लाइन में कितना ज्ञान मिला विचार तो करो हिस्ट्री ज़ाग्राफी रिपीट होती है चक्कर कैसे फिरता है ये नहीं जानते हैं न चक्कर को जानते हैं न ईश्वर को जानते हैं भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं भगवान कौन है ये तुम जानते हो भगवान को फादर भी कहते हैं तो बुद्धि में आना चाहिए ना ये बात लौकिक फादर भी तो है फिर उनको हम याद करते हैं तो दो फादर हो गए लौकिक और पारलौकिक पार बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं वह पारलोक में रहते हैं तो नक दुनिया भी जरूर है ना भक्ति के बाप के लिए करते हैं जरूर पलोक में रहता है, है? निराकाय दुनिया जरूर है ना अभी ऐसे बैठ के समझना और बैठ के दूसरों को ऐसे ऐसे धीरे धीरे समझाना कौन ये ध्यान रखते हैं अभी जितना इस आधा पेज में बाबा ने समझाया वो भी ज्ञान हमारी बुद्धि में फिट हुआ पड़ा हो ना अच्छी तरह से को समझा के और पका हो गया दिन भर कारोबार में चलते फिरते भी और स्मरण करते पर और स्मृति में आने लगा तुम अच्छी जानते हो मनुष्य जो कुछ करते वैसे भक्ति मार गए रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति चली आई है ज्ञान हो न सके भक्ति से कभी सदगति हो नहीं सकती सदगति करने वाले बाप को याद करते हैं तो जरूर वो कभी आकर सदगति करेंगे तुम जानते हो ये। यह बिल्कुल ही तमोप्रधान दुनिया है कले युग है ये तमोप्रधान दुनिया है सतोप्रधान थी अभी तमोप्रधान है कितने उपद्रव होते रहते हैं बहुत घमसान हो रहे हैं चोर भी लूटते रहते हैं कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे चोर पैसे लूट ले जाते हैं कैसे चोर चोर कैसे लूटते हैं सुनो ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जो सिंगा कर ए, सिंगा करके बे, बेहोश कर देते हैं यह है रामाराज ये बहुत बड़ा बेहद का खेल है इसको फेरने में पांच हजार वर्ष लगते हैं खेल भी ड्रामा मिसल है नाटक नहीं कहेंगे नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदिल बदली कर लेते हैं इसमें तो ये बात हो ना सके ये तो अनादि ड्रामा है समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे ऐसा बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है अभी इतना ज्ञान हो ये बीमारी क्यों आई पर नहीं ऐसा बीमार होने का भी कभी कभी कोई ऐसी बीमारी किसको देखते कहते क्यों हुई है ये भी पाठ है ये अनादि बना बनाया है और किसको तुम ड्रामा कहो तो मुझ जाएंगे और तुम जानते हो वो ड्रामा की बात को समझ नहीं सकते कहीं कितने समय ज्ञान में चलते चलते कहते ये बात मुझे समझ में नहीं आती है, है। वो सच्चा साना बच्चा बाबा का समझ जाता है ये ड्रामा है तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है कलब बाद फिर भी यही एक्ट्रेस होंगे जैसे बरसात आदि पड़ती है कलब बाद फिर भी ऐसे ही बरसात पड़ेगी ऐसे ही उपद्रव होंगे तुम बच्चे जानते हो अच्छा और गई बात सुन लो तुम बच्चे जानते हो ये जो ज्ञान की बरसात है ना सभी पर नहीं पढ़ सकती ये गीत लिखा नहीं है पर जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है ये बाबा का बहुत प्यारा गीत था ये ज्ञान की बरसात है सभी पर नहीं पड़ सकती है लेकिन यह आवाज सभी के कानों तक अभी से जाएगा कि ज्ञान का सागर भगवान आया हुआ है पर तुम्हारा मुख्य है योग ज्ञान भी तुम सुनते हो बाकी बाकी सारी बरसात सारी दुनिया में पड़ती है तुम्हारे योग से प्रजय तुम्हारे योग कितना बर, योग का महत्व तो सुनाया है तुम्हारे योग से आस्थाई शांति हो जाती है निजार भाई पूछा न क्या शांति अंदर कैसी शांति तुम्हारे योग से अटेंशन फ्री ध्यान रखो तुम्हारे योग से अंदर से इतनी शांति वो शांति सारी विश्व में अस्थाई हो जाती है इतनी शांति स्टॉक है ध्यान तो दो सब ट्रांसलेशन मिल रहा है पर मैं देखूँ तो सही ना। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है तो फिर क्या है ऐसे भी बहुत है जो अपन को भगवान समझ लेते हैं तो तुमको फिर कौन मानेगा इसलिए बाप समझाते हैं कोटो में कोई निकलेंगे तुम्हारे में भी नंबर वाद जानते हैं भगवान बाप आया हुआ है बाप से तो वर्षा लेना चाहिए ना कैसे बाप को याद करो वो भी समझाता है बाप से वर्षा लेना है पर कैसे बाप को याद करो वह भी समझाता है अपन को आत्मा समझो मनुष्य तो देव मानी बन गए हैं बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती है तुम कितने तमोप्रधान बन गए हो अब मैं आया हूं तुमको प्रधान बनाने कल पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान कैसे बनेंगे सिर्फ मुझे याद करो मैं आया हूँ तुमको अपना और रचना का परिचय देने कैसे बात करता है ये बाबा बच्चों से बात करता है उस, उस बाप को सभी याद करते हैं, करते ही है रावण राज्य में ही बाप को याद करती है क्यों ही बाप को याद करती क्यों वो बाप है असरी बिंदी है ना उसका नाम रखा गया है फिर रखा गया है तुमको कहते हैं शालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है बाप तो है ही परमात्मा आत्मा उनको शरीर तो लेना ही नहीं है उसने इनमें प्रवेश किया है गीता में भी ये अक्षर है मैं जन्म मर में नहीं आता हूं पर मैं प्रवेश करता हूँ ये ब्रह्मा का तन है इनको शिव नहीं कहेंगे आत्मा नाम तो तुम्हारा ही है पर तुम शरीर में आते हो वह परमात्मा है सभी आत्माओं का पिता तो सभी के दो बाप हो गए एक निराकार एक साकार पहले बाबा हमेशा कहता था तो, तो पहले दो बाप का परिचय दो एक साकार यानी लौकिक दूसरा वो निराकार इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है दो एक साकार इस दुनिया का हो गया लौकिक उप अलौकिक इसको फिर वंडरफुल बाप कहा जाता है कितने ढेर बच्चे है मनुष्यों को ये समझ में नहीं आता है प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया इतने ढेर है ये क्या है ब्रह्मा कुमारिया अभी मैं सब किस देख रही हूँ अभी अभी मुल्य सुनते सुनते चेहरा चमक रहा है अभी इस तरह से सोचे समझे भी चाचा मत्थन करे तो कैसी हमारी सेवा हो सकती है मधुबन से ये खजाना मिल रहा है तो चेहरे पे आ रहा है जैसे बाबा कहते हैं आप भरपूर होने के लिए आते हैं फिर जा के वहाँ डिलीवरी करेंगे पर खाली नहीं हो जाएंगे कब रहे मनुष्यों को समझ में नहीं आता है प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमार तो ढेर है ये क्या है किस प्रकार का ये धर्म है समझ नहीं सकते है तुम जानते हो ये कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है न माँ बाप पहले कुमारी कुमार है एक है मां बाप पहले कुमार कुमारी भक्ति मार्ग में तो याद करते हैं तुम मात पिता अभी वो तुमको मात पिता मिला है तुमको एडप किया है सत्युग में एडप्ट नहीं किया जाता है देखो एक मिनट में बाबू सत्युग में चला सत्युग में एडप्ट नहीं किया जाता वहां एडप्शन का नाम शान है यहां पर भी नाम है वह हद का बाप यह है बेहद का बाप बेहद की एडप्शन है कोई एक दो बच्चा पैदा करेंगे ना ये बेहद की है यह राज बहुत ही गुहे समझने लायक है तुम लोग पूरी रीति किसको समझाते नहीं हो बाबा तो जैसे बाबा समझा रहा है बच्चे किसको इतना समझाते नहीं है पहले पहले अंदर कोई आते हैं बोले गुरु का दर्शन करने आए है तो तुम बो, बोलो कि ये कोई मंदिर नहीं है बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है ये साकार बाबा के दिन है, बातें हैं। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर है ये सब प्रजा पिता के बच्चे हो गए प्रजा तो तुम भी हो भगवान सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है हम है ही नई सृष्टि के और तुम हो पुरानी सृष्टि के समझा अभी किसको कहो हम नई सृष्टि के भगवान ने हमको रचा है तुम हो पुरानी सृष्टि के नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर यह है पुरुषोत्तम बनने का युग तुम संगम पर खड़े हो वह कले युग में खड़े है जैसे एक पार्टीशन पर गया लगा जैसे इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया वो वहां रह गए हम यहाँ कल युग का है ये है कले वो संग, तुम संगम पर खड़े हो समझा हाँ कितना बाबा का सुंदर वर्ड है तुम संगम पर खड़े हो वो कलेजों पर खड़े हैं जैसे पार्टीशन पर गया है आजकल तो देखो कितने पार्टीशन हैं हर एक धर्म वाला समझते हैं हम हम अपनी प्रजा को संभालेंगे अपने धर्म को हम जिनको सुखी रखेंगे इसलिए हरेक कहते हैं हमारे स्टेट से यह चीज बाहर नहीं जावे आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था राजा को माई बाप अन्नदाता कहते थे अभी तो राजा रानी कोई है ही नहीं अलग अलग टुकड़े हो गए हैं कितने उपद्रव होते रहते हैं अचानक बार आ जाती है भूकंप होते रहते हैं चालीस साल की बोलिया पहले की सुनो यह सब दुख का मौत भूकंप होना यह दुख का मौत अभी तुम ब्राह्मण समझते हो हम सब आपस में भाई भाई है तुम्हें तो आपस में बहुत प्यार से खीर खंडो कर रहना है मैं ये भी आपको तो मीठे मीठे बाबा ने जैसे कर दिन कहा ना वरदानों से पालना मिली है बाबा ने वरदान दिया तो चीज जान जाएंगी वहाँ खीर खंड करके रहेगी मैं आपको क्यों सुनाती जो मुझे मिला वो आपको मिल जाए जान जाएंगी खीर खंड करेंगी मना मिल करके रहेंगे शोभा है कोई वहाँ मिल करके ना रहे हम पैदल आ रहे थे ना जयंती को मैंने कहा जयंती संस्कार भले भी न बने हो पर ईश्वर के संतान हैं हम एक दो को ईश्वर से दृष्टि से प्यार से देखते मिल के रहें कितना बाबा को प्यार करेगा हम कहेंगे ये ऐसा है वो ऐसा है ये ऐसा है वो ऐसा है न रहा बाबा न रहे हम न परिवार न बाबा न हम न परिवार क्या होगा जो सेंटर यहाँ घर जैसा शमशान हम तो कभी कहा थोड़ा हूँ का बात होगी मैं क्या ये बाबा का घर है यहाँ शमशान भूमि है एक कमरे में रहते हैं आपस में बात नहीं करते हैं अरे सोचो तो सही बाबा कैसा है हमारा क्या बनाता है हम आपस में मिलकर के नहीं रह सकते हैं तो सचुग में तो आएंगे नहीं त्रेता में भी पता नहीं कभी आएंगे जो यहाँ मिलकर के नहीं रह सकते हैं वो सोच लेवे हम त्रेता में पता नहीं कब आएंगे अपने पद को आप ही देख ले यहाँ अभी तुम ब्राह्मण फिर से लाइन पढ़ती हूँ अब तुम ब्राह्मण समझते हो हम सब आपस में भाई भाई आज पार्टीशन की बात याद रखना संगम पर आ गए है यहाँ से तो अभी आप भाई भाई है तो हमें आपस में बहुत 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 प्यार से खींच खंड होकर के चलना है हम एक बाप, बाप के बच्चे हैं तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए रामराज्य में शेर बकरी शेर और बकरी जो एक दो के पक्के दुश्मन है वह भी इकट्ठे पानी पीते हैं यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है नेशन नेशन का झगड़ा है आपस में फूट पड़ती है अन्य मते हैं अब तुम जानते हो अभी तुम जानते हो वो हम नहीं है हमने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है गवाया है अब रावण राज्य पर जीत पाते हैं प्रहारते हैं एक बाप के श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं एक बाप के श्रीमत पर विश्व के मालिक बन जाते इसलिए ही उनको ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहा जाता है सर्व का दुखर्ता सुख करता कहा जाता है अभी तुमको सब तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं तुम बच्चे आपस में खीर खंड होने चाहिए निर्मला बहन जयंती बहन अभी सबसे ये लिखवा लेना जहाँ जाए खीर खंड होकर रहेंगे तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जब मिल करके एक खीर खंड सबका ये आएगा सबको ये ध्यान में आ गया है बाबा ने कहा पांच लाइन में समाज जा तो अभी सब सोचने लग पड़े हैं पांच लाइन में कैसे लिखे हा? सोचना बंद कर देंगे तो पांच लाइन की जरूरत तो नहीं आई एम ओके एवरीथिंग ओके डोंट वरी निश्चिंत रहो भाई एक लाइन में भी आ जाएगा ठहरो पर आवे समाचार जरूर नहीं तो कहाँ गुम हो गए बाबा कहता था, नहीं समाचार आता उसने बोली सुनी थी अगर तुम पत्र नहीं लिखेंगे तो मैं भी छः महीना पत्र नहीं लिखूँगा तुम नहीं लिखेंगे तो मैं भी छः महीना नहीं लिखूँगा तुम्हारा काम है तो लिखना पर सच्चा समाचार अच्छा अच्छा समाचार दुनिया में आपस में सब ये लून पानी एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं तुम ईश्वरी औलाद हो तो खीर खंड होने चाहिए तुम ईश्वरी संतान देवताओं से भी ऊंचे ठहरे तुम बाप के कितने मददगार बनते हो पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो तुम्हारे ये दिल में आना चाहिए पुरुषोत्तम बनाने में बाप के मददगार हो कंधी लाओ ना तुम पुरुषोत्तम बनाने में बाप के मददगार हो ये दिल में आना चाहिए हम पुरुषोत्तम हैं वह हमारे में दैवी गुण है आश्री गुण है तो वह फिर बाप का बच्चा अपन को कहला न सके आश्चरी गुण है तो अपने को बाप का बच्चा कहला न सके इसलिए कहा जाता है उसके लिए सतगुरु का निंदा ठोर न पाए गुण वाला सतगुरु की निंदा करता है वो ठो न पाए वह कलयुगी गुरु पर अपने लिए कहकर मनुष्य को डरा देते हैं तो बाप बच्चों को समझाते हैं सुपूत बच्चे वह है जो बाप का नाम बाला करे खीर खंड होकर के रहे बाबा सदा कहते हैं खीर खंड बनो लून पानी हो आपस में लड़ो झगड़ो नहीं तुमको यहां खीरखंड बनना है आपस में बोल लो चाहिए क्यों तुम ईश्वर के औलाद हो ना, किसको लव पैदा होगा ईश्वर के औलाद हो ना, ईश्वर मोस्ट लवली है तब तो उनको याद करते हैं तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए अटकने जावे फंस न जावे आपस में ईश्वर के औलाद है प्यार होना चाहिए नहीं तो बाप की इज्जत गंवाते हैं ईश्वर के बच्चे आपस आप में लून पानी कैसे हो सकते फिर पद कैसे पाएंगे बाप समझाते हैं आपस में खीर खंड होकर के रहो लून पानी होंगे सुनो तो कुछ भी धारणा नहीं होगी अगर बाप के डायरेक्शन पद पर नहीं चलेंगे तो उच्च पद कैसे पा सकेंगे देहमान में आने से ही प्रापस में लड़ते हैं दे मानी हो तो कुछ भी खिटखिट न हो दे मानी हो तो कुछ भी खिटपिट न हो ईश्वर बाप मिला है फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं आत्मा को बाप जैसा बनना है अपन में आत्मा ये तो सिर्फ याद नहीं करना बाप जैसा बनना है जैसे बाप में पौत्रता सुख प्रेम आदि सब है तुमको भी बनना है नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकते परकर कर बाप से ऊंच पर परकर कर बाप से ऊंच वर्षा पाना है परकर कर बाप से वर्षा पान उच्च वर्षा पाना है बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही रानी बन सकते हैं बाकी जाकर दास दास दासियां बनेंगे समझो समझ तो सकते हो ना कौन कौन क्या बनेंगे पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे ईश्वर के बच्चे मोस्ट लवली होने चाहिए जो कोई भी देख खुश हो जावे बाबा को भी मीठे वही लगेंगे पहले घर को सुधारो पहले घर पीछे पर पहले घर पीछे पर माना माना दूसरों को पीछे सुधारना पहले घर को सुधारो ग्रस्त व्यवहार में कमलपुर समान पवित्र और खीर खंडो करके रहो कोई भी देखे तो कहे ओहो यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है कहते जैसे मधुबन स्वर्ग सब कहते स्वर्ग है देखना हो तो ये है ऐसे सेंटर जहाँ भी है ये तो स्वर्ग है कल कहा, बल्कि छोटा है पर कोई आए न तो बल्कि उसका बाहर जाने दिल ना करे पवित्रता सुख बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा जैसे हम लोग आए बाहर कहाँ जाए क्या है ऐसा वायुमंडल बना के रखे ओह यहाँ से स्वर्ग लगा पर अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं छह सात बच्चे शादी किए हुए सब इकट्ठे रहते हैं वो है हमारे मुरी भाई का परिवार मुरी दादा का जयंती उनका ग्रैंडफादर सात बच्चे थे एक ही घर में क्या जब तक हम जिंदा है सात घर अंदर बनाए सात घर ही कहते थे अंदर घर बनाए हमारे घर लौकिक घर के सामने थे और संबंध में भी था लौकिक संबंध भी था नंबर वन सब आपस में इकट्ठे बच्चे एक ही भंडारे में खाएंगे हाँ ये प्रूफ बाबा था अभी भी अभी भी कहाँ कहाँ कोई ऐसे घर है जहाँ बहुत स्नेह है सच्चाई है प्यार है लड़ाई झगड़ा नहीं है अब सवेरे उठ कर भक्ति करते हैं घर में एकदम शांति लगी रहती है बंधु ये तो तुम्हारा ईश्वरी कुटुंब है घर में बच्चा शादी किया हुआ है बाप की मिलकत मिल तो न सके वह जाकर अपना संभाले समझो घर में अपना बच्चा भी है लोग पर बाप अपनी मिलकियत क्यों देवे वो जाकर अपना घर संभाले हंस और बगला इकट्ठे रह नहीं सकते तुमको तो हंस बनना है लून पानी होने वाले से बाबा राजी नहीं होगा जो लून पानी होते उनसे बाबा राजी नहीं होगा बाबा कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो अगर खीर खंड रो नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद नहीं पा सकेंगे बहुत सजा खाएंगे। और सुन लो खीर खंड होकर नहीं रहेंगे ऊँच पद पा नहीं सकेंगे फिर सजाएं खाएंगे बहुत बाप का बनकर अगर लून पानी हो रहते हैं तो सौ गुना सजा मिलती है फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे हम क्या पद पाएंगे अच्छा मीठे मीठे बोलो बाब। बाबा कहते मीठे मीठे सकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार ध्यान रहे हमें ईश्वर के बच्चे हैं हमें मोस्ट लवली होकर के रहना है आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है पहले अपने को सुधारना है और दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है दूसरा जैसे बाप में पवित्रता प्रेम, पवित्रता सुख प्रेम आदि सब गुण है ऐसे बाप सम्मान बनना है ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है जो सतगुरु का निंदक बने अपने चलन से बाप का नाम बाला करना है वरदान शुभ भावना सेवा करने वाले शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारों पर भी उपकारी भव है। जैसे बाप अपकारों पर उपकार करते हैं ऐसे आपके सामने कैसे भी आत्मा हो लेकिन अपनी रहम की वृत्ति से अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो ये है सच्ची सेवा जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर लेते हैं ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारों पर भी उपकार की धनी को अपकारों पर भी उपकार की धनियों को धनी को, को परिवर्तन करो अपकारों पर भी उपकार अपकारों पर भी उपकार की धानी को परिवर्तन करो स्व परिवर्तन से शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएंगी क्यों शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है स्लोगन ज्ञान का स्मरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है भूलना नहीं है स्लोगन ज्ञान का स्मरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है ओम शांति